मध्य प्रदेश से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को जारी करते हुए मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में आईपीएल की टीम बनाने की घोषणा करते हैं, 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी हम गारंटी देते हैं। एक साल में के अंदर तैयार किए गए इस वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी है। वहीं घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को भी शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, उनके खुशहाली के लेकर भी पार्टी ने कई घोषणा की है। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस रहा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट का बिल हाफ करने और जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया है। सब सुझाव मेरे लिए कीमती सुना सुझाव, और मुझे रोज पूरे प्रदेश से वचन पत्र के लिए लोग मिलते थे या मुझे व्हाट्सएप और ईमेल मिलते थे। आप सोचिए 9000 आए, ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों ने मुझे पोस्ट कार्ड तक भेजे अपने सुझाव देते हुए, और कहीं मैं दौरे में जाऊं तो माचिस की डिग्री में रखकर एक छोटी पुड़िया बनाकर अपना सुझाव भी देते थे। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है।